हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश की नंबर वन साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री का निजी सचिव बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है विवेक कुमार। हाल ही में विवेक कुमार को प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव बनाया गया है। दोस्तों, पीएमओ में निदेशक रहे आईएएस अधिकारी विवेक कुमार को पीएम नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव बनाया गया है। कुमार की नियुक्ति 2014 में पीएमओ में बतौर उप सचिव की गई थी। आईआईटी बॉम्बे से मेडिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुके विवेक रूस और ऑस्ट्रेलिया में राजनयिक रह चुके हैं और इन्हें अब प्रधानमंत्री के उप सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ल्ड कप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऐश्वर्या प्रताप। ऐश्वर्या प्रताप ने हाल ही में वर्ल्ड कप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, आपको बता दें, ऐश्वर्या प्रताप मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी भोपाल के शूटर हैं और इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड कप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन मैन जूनियर में यह गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 459.3 अंक बनाए हैं। इन्होंने उसी साल 14 अप्रैल को बीजिंग में इस वर्ल्ड कप में चेक गणराज्य के फिलिप को द्वारा बनाए गए 458.7 अंकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। आपको बता दें दोस्तों, वर्ल्ड कप शूटिंग हाल ही में जर्मनी के शूल शहर में आयोजित की जा रही है। तो इतना आपको ऐश्वर्य प्रताप के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट मैगजीन इलस्ट्रेट के मुताबिक सबसे फैशनेबल खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स स्पोर्ट मैगजीन इलस्ट्रेटेड के मुताबिक सबसे फैशनेबल खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को दुनिया की सबसे फैशनेबल खिलाड़ी चुना गया है। स्पोर्ट मैगजीन इलस्ट्रेटेड ने दुनिया की टॉप 50 फैशनेबल खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। दोस्तों, खास बात यह है कि इस लिस्ट में भारत की एक भी खिलाड़ी नहीं है, तो आपको इस लिस्ट के बारे में याद रखना है। इस मैगजीन का नाम है इलस्ट्रेटेड और इसके मुताबिक सेरेना विलियम्स सबसे फैशनेबल खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अब दुबई की तरह है टाइगर और लायंस को गोद ले सकते हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अब टाइगर और लायंस को गोद ले सकते हैं दुबई की तरह है। दोस्तों, वन्य प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है, आने वाले दिनों में उनकी पसंद के वन जीवियों को वो गोद ले सकते हैं। दोस्तों, यह योजना वाइट टाइगर सफारी एंड जू में मौजूद वन्य जीवों पर लागू होगी। इस संबंध में सफारी प्रबंधन ने वन मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन को विस्तृत प्रस्ताव बनाकर भेजा है। दोस्तों, शीघ्र ही इसकी अनुमति मिल जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक वन्य प्राणी अंगीकार योजना में वह लोग शामिल हो सकेंगे जो वन्य जीवों के भोजन आदि पर होने वाले खर्च उठाएंगे। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में टाइगर और लायंस को आने वाले समय में गोद लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के टॉप 20 एडमायर्ड लोगों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बिलगेट्स। बिलगेट्स टॉप 20 एडमायर्ड लोगों की लिस्ट में पहले स्थान पर है। दोस्तों, आपको बता दें, इस लिस्ट के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर है उनके नाम, तो पहले स्थान पर है बिलगेट्स, दूसरे पर है बराक ओबामा और तीसरे पर है जैकी चैन। दोस्तों, अगर वही बात करें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो इनकी रैंक छठवीं है, ये छठवें स्थान पर हैं। दोस्तों, हाल ही में दुनिया की सबसे पसंदीदा पुरुष की लिस्ट जारी की गई है। ब्रिटेन की इंटरनेट मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिसिस फर्म यूगॉव ने इस साल की दुनिया की टॉप 20 एडमायर्ड लोगों और महिलाओं की लिस्ट हाल ही में जारी की है। बिलगेट्स इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। और दोस्तों, अगर वही बात करें महिलाओं की, तो मिशेल ओबामा, जो बराक ओबामा की धर्मपत्नी है, यह महिलाओं की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। तो आपको इस लिस्ट के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन के मुताबिक सबसे ज्यादा भुखमरी प्रतिशत किस महाद्वीप पर है?
तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप पर सबसे ज्यादा भुखमरी है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप पर 20% भुखमरी है और यहाँ पर कुपोषण से ग्रस्त लोगों का जो प्रतिशत है वह भी 20 है। यूएन के मुताबिक 2004 में भारत में कुपोषित की संख्या 25.3 करोड़ थी, जो 2016 और 18 में घटकर 19.4 करोड़ हो गई है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश भारत में कुपोषण की जो संख्या थी उसमें कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सलोनी सडोमा कहाँ पर अपर कलेक्टर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भोपाल। हाल ही में सलोनी सडोना को भोपाल का अपर कलेक्टर बनाया गया है। दोस्तों आपको एक और फैक्ट बता दें, हाल ही में प्रीति जैन को भोपाल संभाग का अपर आयुक्त भी बनाया गया है। दोस्तों अब बात आई है भोपाल की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भोपाल के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। दोस्तों भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण हजारों मौतें हो गई थी। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक ऑपरेशन चलाया गया था भोपाल में, जिसे ऑपरेशन फैथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें, प्रथम मध्य प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व, जो जनसंख्या घनत्व है, 854, यह भोपाल में ही स्थित है। राष्ट्रीय विधि अकेडमी की स्थापना 1994 में भोपाल में की गई थी। दोस्तों देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद, यह भोपाल में ही स्थित है। राज्य पुलिस मुख्यालय भी भोपाल में ही स्थित है। वल्लभ भवन भी भोपाल में ही स्थित है। भारत भवन की स्थापना 1982 में भोपाल में की गई थी। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी भोपाल में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र और प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भोपाल में ही बनाया गया है। दोस्तों प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र भी भोपाल में ही लगाया गया है। तो इतना आपको भोपाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिवत पंचायती राज प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधिवत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। दोस्तों अब यहां पर दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी राजस्थान में। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश में यह व्यवस्था लागू की गई थी 1959 में। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर विधिवत तरीके से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी पहली बार। तो ये दोस्तों एक डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में याद रखना है, आपको कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 2001 में। 26 जनवरी 2001 में मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की स्थापना की गई थी। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, ग्राम स्वराज की स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो आपको इसके बारे में याद रखना है, ग्राम स्वराज की जो स्थापना की गई थी वह 26 जनवरी 2001 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें दोस्तों, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 110वां संविधान संशोधन। भारत में महिलाओं का 50% आरक्षण 110वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। दोस्तों 2006 और 7 से पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2009 में दिया गया। दोस्तों इससे पहले 33% आरक्षण था। 2009 में 110वां संविधान संशोधन लागू कर यह 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था। तो आपको याद रखना है, महिलाओं को 50% आरक्षण 110वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 2006 में। 2006 में मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना लागू की गई थी।
दोस्तों आपको बता दें पूरी डेट, तो 2 फरवरी 2006 को मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना लागू की गई थी। अब ये दोस्तों मनरेगा है क्या, आपको इसके बारे में बता दें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम है मनरेगा। आपको इसके अंतर्गत याद रखना है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना का नाम है मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राइट टू रीसेल का उपयोग प्रथम बार किस जिले में किया गया था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अनूपपुर में। अनूपपुर में राइट टू रीसेल का उपयोग प्रथम बार मध्य प्रदेश में किया गया था। दोस्तों इसके उपयोग के द्वारा अनूपपुर की पल्लविका पटेल को इसी अधिकार द्वारा जनता द्वारा हटाया गया था। दोस्तों अब बात आई है अनूपपुर की, तो आपको अनूपपुर के बारे में बता दें, 15 अगस्त 2003 को यह जिला अस्तित्व में आया था। दोस्तों मैकाल पर्वत पर नर्मदा नदी अमरकंटक से प्रवाहित होती है। सोन और जोहिला का उद्गम भी यही अनूपपुर जिले से हुआ है। कर्ण माता मंदिर भी अनूपपुर जिले में ही स्थित है। दोस्तों नर्मदेश्वर मंदिर सती मंदिर माता पार्वती को समर्पित है, माँ की बगिया। दोस्तों यह नर्मदा नदी का विचरण करती है। सोन मुंडा में सोन नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों ज्वालेश्वर महादेव जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में ही स्थित हैं। तो इतना आपको अनूपपुर के बारे में याद रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किसे सागर संभाग का संभागीय कमिश्नर बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन था दोस्तों अमरपाल सिंह। हाल ही में अमरपाल सिंह को सागर संभाग का कमिश्नर बनाया गया था। दोस्तों अब वही बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का क्वेश्चन है, थ्रस्ट योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में संचालित की जा रही है? इसका आंसर आप हम कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।